मोस्ट सिग्निफिकेंट एज, एज ऑफ चौसर, जैसा कि कल मैंने टाइम लाइन पढ़ाते हुए आपको कहा था कि जो एज ऑफ चौसर का है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट एज है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एज है। क्यों इम्पॉर्टेंट एज है? क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर लिखा नहीं गया और हमें देखने को भी नहीं मिलता है। एन एरा ऑफ ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन होता है, एक एरा ऑफ ट्रांजिशन उसको कहा जाता है कि जैसे एक एज है आपकी और उसके बीच का जो टाइम है दूसरी एज में जाने से पहले आपका जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। और एज ऑफ चौसर की हम बात करें तो इसमें चौसर जो है उसने थ्री किंग्स के टाइम पर काम भी किया और राइटिंग की, और उनके साथ हम कहें कि जो कोर्टशिप थी उसमें रहे हो, उनके कोर्ट्स में भी रहे। तो एडवर्ड थर्ड ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ। अब आप इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से याद रखिए कि जब भी आपको याद रखना हो तो ERH, और इसको इस तरह से लिखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमेशा इस तरह से ही आपको करना है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना है, ERH लिखना है और उसके नीचे पहले सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की बात हो रही है। तो सेकंड देखिए, ये तो सेकंड है, वन टू सेकंड हो गया आपका, और ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया जो बच गया है। तो आप एक कैलकुलेशन इस तरह से चला सकते हैं, ठीक है, अपनी ERH, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। ऑलराइट, तो आप लोगों को याद हो जाएगा इस तरह से। और एक जब हम रीजनिंग से याद करते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमने यहाँ पर इसे याद कर लिया, रीजनिंग से हमने इसको याद किया है इन चीज़ों को, तो आपको ये जब आप इनके हिसाब एग्ज़ाम में भूल गए कि कौन सा था, सबसे पहले एडवर्ड थर्ड था, फिर रिचर्ड सेकंड था और हेनरी फोर्थ था, तो आप क्या करेंगे कि सिंपली लिखेंगे ERH, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, आप लोगों को पता रहेगा कि पोजीशन इसकी सेकंड है और फोर्थ बाद में ही आता है और ये थर्ड हो गया आपका। तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ कहाँ कहाँ पे थे, क्या क्या था, उनका सीक्वेंस कौन सा था। तो ये चौसर से रिलेटेड है। ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, अब जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था उसने क्या किया था कि एक नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया था उस टाइम पे। तो नॉर्मन्स ने क्या किया, इंग्लैंड को इन्वेट किया था 1066। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पे अटैक करता है तो क्या होता है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट पैदा हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको कहूँगा कि जैसे भारत और पाकिस्तान में अगर कभी युद्ध होता है, चाइना में युद्ध होता है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इंडियंस। तो क्या होता है कि अचानक से एक जब भी वॉर होता है तो एक सेंटिमेंट बढ़ जाता है। तो इसी तरह से क्या था कि जब नॉर्मन्स ने इन्वेट किया था इंग्लैंड को तो वहाँ पे क्या हो गया, नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ गए थे। द कॉन्शियसनेस ऑफ नेशनल यूनिटी वॉज स्ट्रेंथन, और यही टाइम था कि जब जो कॉन्शियसनेस था नेशनल यूनिटी के लिए वो भी बढ़ने लग गया, लोग यूनिटी फील करना चाहते थे। नेक्स्ट था द 100 ईयर्स वॉर एंड बैटल ऑफ क्रेसी एंड पॉइटर्स। तो ये क्या था, ये सारी चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन पर ही हुई थी। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ब्लैक डेथ हैपन्ड एंड फेमाइन हैपन्ड एंड सोशल अनरेस्ट वॉज देयर। तो ये जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1348 टू 49 का। इसके बाद जो ब्लैक डेथ थी वो 3 साल और आई थी, वो था आपका 62, 67 एंड 70। यू शुड रिमेंबर दिस, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में अब पूछा नहीं जाता है, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएं। पीजेंट रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1381 में हुआ था, एंड इट वॉज अपराइजिंग ऑफ मासेस सप्रेस्ड बाय रिचर्ड सेकेंड। और ये देखिए, रिचर्ड सेकेंड के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। तो ये रिचर्ड सेकेंड, जब भी आप यहाँ पर रिचर्ड सेकेंड लिखेंगे अपने शॉर्टकट में, ERH आपको याद होगा, तो ERH जब भी आप लिखेंगे तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि इसने क्या किया था, सप्रेस किया था पीजेंट रिवॉल्ट को 1381 को। तो ये भी एक तरीका है याद करने का कि हम पीजेंट रिवॉल्ट हमने रिलेट कर दिया तो 1381 की बात हो रही है, ठीक है। तो शॉर्टकट याद रखिए कि जैसे हमने कहा कि 81 पीजेंट्स
वर सप्रेस्ड बाय रिचर्ड सेकंड। तो रिचर्ड सेकंड आप जब भी लिखेंगे तो 81 उसके साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 81 आपने लिख लिया और इस तरह से आपको याद रहेगा कि रिचर्ड सेकंड 81, 81 पीजांट्स ने बहुत मारा था। किसको? रिचर्ड सेकंड को, या ये बोल सकते हो रिचर्ड सेकंड ने उसको मारा था, या कुछ भी। आपको अपने दिमाग में स्टोरी बिल्ड करनी है और वो आपको याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं आप उसको। द करप्शन ऑफ द चर्चेस एंड रिफॉर्मेशन। अब उस टाइम पे जो चर्चेस थे उसमें क्या था, करप्शन बहुत था, ठीक है। जब करप्शन बहुत था चर्चेस में तो फिर वहीं पर रिफॉर्मेशन की भी बात आती है। जब कोई भी बुरी चीज़ होती है तो उसके लिए कोई ना कोई उसके अगेंस्ट हिस्ट्री में हमेशा उठाया, और अभी भी ऐसा होता है, कुछ बुरा होता है तो उसके अगेंस्ट आदमी खड़ा उठता है, ठीक है। एक लेवल तक ही आप इंसान को दबा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, रिवॉल्ट होगा और उसके लिए कोई ना कोई उसका लीडर बनता है। तो इसमें जॉन वाइक्लिफ थे और इन्हीं को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन आप ये मान सकते हैं, मॉर्निंग स्टार क्योंकि बहुत पहले के हैं तो इसलिए, यह शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं तो इसलिए उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया। और लॉलार्ड मूवमेंट को उन्होंने चलाया था, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपोजिशन टू कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड। और सॉरी, कैथोलिसिज्म जो था इंग्लैंड में उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट अपोजिशन हुआ था वो लॉलार्ड मूवमेंट था। एंड ही ब्रॉट अ कम्प्लीट वर्जन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश, और उन्होंने एक कम्प्लीट वर्जन ऑफ बाइबल भी लिखी थी। किसने? जॉन वाइक्लिफ ने, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। चलो आज के लिए हम इतना डिस्कशन काफ़ी है आप लोगों को। चौसर के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी, ERH समझ में आ गया होगा आपको, 81 आप लोगों को याद हो गया होगा, और 1066 याद हो गया होगा कि यहाँ से 1066 जैसे आप लोगों को दिमाग में आया कि 1066 को क्या हुआ था, आप खुद से डिस्कशन कीजिए। तो ये क्या हुआ था, नॉर्मन इन्वेडेड, नॉर्मन ने इन्वेड किया था। इन्वेड करने का फ़ायदा क्या हुआ इंग्लैंड को, इंग्लैंड को ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ गई और सॉरी यूनिटी बढ़ गई, और लोग खुद को क्या करने लग गए, एक नेशनल यूनिटी हो गई और एक जो कॉन्शियसनेस आ गई नेशनल यूनिटी का, वो किससे आई थी, नॉर्मन कन्क्वेस्ट से आई थी। इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट था। नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब हुआ था, 1066, फिर बिगनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर ये 1338 में हुआ था। तो 100 ईयर वॉर 38, तो ये पहले आप पीछे याद रखिए, फिर आगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमें 13, 14 तो याद हो ही जाता है। हेनरी फोर्थ एसेंडेड थ्रोन 99, कब एसेंड किया था उन्होंने, 99। अब इससे देखिए, जो लैंगलैंड की डेथ है और चौसर की डेथ भी 1400 में ही है, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। 1400 तो हो गया आपका चौसर की डेथ, -1 कर दीजिए, -1 जैसे ही चौसर की डेथ होने वाली थी तो हेनरी फोर्थ क्या हो गए, उन्होंने थ्रोन को एसेंड किया था। यहाँ पे आप लोगों का है लैंगलैंड की डेथ भी आपके 1400 में हो गई, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चौसर का बर्थ जो हुआ था वो 14 में हुआ था, 1340 में हुआ था, ये तो आपको ऑलरेडी याद है। वॉट टाइलर्स रेबेलियन, या इसको ही पीजांट्स रिवॉल्ट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये पीजांट्स रिवॉल्ट था, ठीक है, बहुत हौच पौच हो गया, पर पीजांट्स रिवॉल्ट इसी को कहा जाता है। तो 1381 आर आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था ERH। तो होपफुली आपको याद भी हो रहा होगा पूरे डिस्कशन के साथ में, मेरा मोटिव ये है कि डिस्कशन के साथ में आपको याद भी हो जाए। डेथ ऑफ एडवर्ड थर्ड, ये आपका 77 में होगा। अब देखिए, ये डबल है आपका 77, ये 99 आपका क्या है ना, मींस डबल डिजिट है, ठीक है। तो आपके पास तीन डबल डिजिट आ गई हैं, देखिए 66 77 99। ओके, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो 66 में क्या होता है, ये आपका नॉर्मन कन्क्वेस्ट है, 77 में अभी हमने देखा था एडवर्ड थर्ड। देखिए यहाँ पे एडवर्ड थर्ड का आप लोगों को याद रखना है कि ये 77 है आपका, ठीक है, ये 99 है, देखिए कितना अच्छा है आप लोगों, 77 99 77 99। ओके, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ये तरीके हैं आपको खुद के डिस्कशन के साथ में, बैठ के ऐसा ही डिस्कशन खुद से कीजिए, खाली पढ़ते मत रहिए ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया, नहीं, यू नीड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद योर सेल्फ। And if you are discussing things with yourself, you will never forget those things. तो आगे चलते हैं, ये है आपका कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस सेटअप। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1476
ये आपका टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कैक्सटन का जो प्रिंटिंग प्रेस था वो सेटअप हुआ था आपका 76। अब देखिए अगर आपको ये याद हो गया ना, 77 आपको याद हो गया यहाँ पे एडवर्ड का, तो आप एक और याद जोड़ लीजिए, ये -1 कर दीजिए, ठीक है। ये 99 था आपका, तो इसमें आप +1 कर दीजिए। यहाँ पे आपने -1 किया, यहाँ पे +1 किया, तो 1400 हो गया। 1400 में चौसा और लैंगलेन की डेथ हुई थी। इस तरह से कुछ कैलकुलेशन बिठाते जाइए और आपको याद होता जाएगा। 66 + 10 कर लेंगे तो 77 आ गया। आप रिचर्ड आप एडवर्ड सॉरी एडवर्ड थर्ड आपका आ गया वहाँ पे। तो इस तरह से आपको याद रहना याद हो जाएगा। ब्लैक डेथ 48-49 की बात है, लेकिन तीन और थे, 62, 67 एंड 70, ये भी याद रखना है आपको। वॉर ऑफ रोजेस जो हुआ था वो 55, देखिए 55 एक और आ गया, देखिए 55, तो आपके पास में कितने हो गए, 55, 66, 77, 99, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रा ये लिखिए कि 55 में क्या हुआ था, 66 में, बिना यहाँ देखे बिना बिना ऊपर देखे आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो लिखनी है। तो 55 में वॉर ऑफ रोजेज हो गया आपका, ठीक है। 66 नॉर्मन कंक्वेस्ट हो गया आपका, 77 आपका एडवर्ड थर्ड हो गया, 99 आपका क्या हो गया, हेनरी फोर्थ।